हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी। आई एम डैम श्योर जिस तरह से आपको अभी तक मेरी सारी स्टोरीज पसंद आती हैं, ये भी आएंगी। एंड इफ़ पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं नई नई स्टोरी बुक्स खरीद रही हूँ आपको अच्छी अच्छी इमेजेस दिखाने के लिए, एंड वेल रिटन शॉर्ट ईजिएस्ट एंड स्मार्टेस्ट स्टोरीज आपको बताने के लिए। तो ये स्टोरी में आपको इमेज से दिख रहे हैं कि वन ऐसा यहाँ पर उसका मालिक है, मालिक का बेटा है और कुछ गांव के लोग हैं। आइए देखते हैं इसका क्या टाइटल है। यू कांट प्लीज एवरी वन, दैट मीन्स हर एक को खुश नहीं किया जा सकता। एंड ऑब्वियसली ये स्टोरी विद मॉरल वैल्यू है। आइए इसको रीड करें। वन डे ए मैन वॉज गोइंग टू मार्केट विद हिज सन एंड हिज एस। दे मेट ए कपल ऑन द वे। वाई वॉक वेन यू हैव एन एस to ride, called out the husband. Seat the boy on the ass. I would like that, said the boy. Help me up, father. And the father did that willingly. तो क्या हुआ, वन डे फादर सन और एस जो थे मार्केट की तरफ जा रहे थे, उनको एक कपल मिले और उन कपल में से हस्बैंड ने बोला कि जब तुम्हारे पास एस है तो तुम दोनों पैदल क्यों जा रहे हो, एटलीस्ट अपने बेटे को इस एस के ऊपर बिठा दो और आराम से चलो। तो फादर ने वैसा ही किया जैसा कि उन हस्बैंड ने बोला था, अपने बेटे को गधे के ऊपर बिठा दिया। ये देखिए अब सन जो है एस के ऊपर बैठा है और हस्बैंड वाइफ पीछे खुश हो गए। सून दे मेट अनदर कपल, लेकिन दोबारा उनको जल्दी ही दूसरे कपल मिले। हाउ शेमफुल ऑफ यू, क्राइड द वुमेन। Let your old father ride, won't he be tired? तो एक वुमेन ने देखा और वो चिल्लाई कि तुम कैसे बच्चे हो कि तुम्हारे ओल्ड फादर जो है पैदल चल रहे हैं और तुम आराम से राइड कर रहे हो, उनको गधे पे बिठाओ और तुम पैदल चलो। आइए इसको दोबारा से रीड कर लें। Soon they met another couple. How shameful of you, cried the woman. Let your old father ride, won't he be tired? उनको नहीं थकाना चाहिए। सो द बॉय गॉट डाउन एंड द फादर रोड द एस। अब बॉय नीचे उतर गया और जो फादर थे वो गधे के ऊपर चढ़ गए। अगेन दे मार्च्ड ऑन, और वो दोबारा से जब चल रहे थे, पुअर बॉय सैट द नेक्स्ट पर्सन दे मेट। वाई शुड द लेजी फादर राइड वाइल हिज सन इज वॉकिंग। तो एक पुअर बॉय ने बोला कि ये सुस्त कैसे पापा हैं जो खुद तो आराम से मतलब गधे की सवारी कर रहे हैं और अपने छोटे से बच्चे को चलवा रहे हैं। सो द बॉय गोट ऑन टू द एस टू। एस दे वेंट ऑन दे मेट सम ट्रैवलर्स। तो बॉय को भी गधे पे, जो बॉय था वो भी गधे पे चढ़ गया और जब आगे जाके उनको कुछ ट्रैवलर्स मिले तो उन्होंने बोला हाउ क्रूअल ऑफ देम, कितने क्रूअल है ये। They are up to kill the poor ass. ये इस बेचारे गधे को तो मार ही डालेंगे, क्योंकि अब फादर और बेटा दोनों ही गधे पर चढ़ गए थे। Cried one of the travelers. तो उन सभी ट्रैवलर्स में एक ट्रैवलर ने बोला Hearing this, the father and the son got down. यह सुनकर फादर और सन जो है नीचे उतर गए। Now they decided to carry the ass on their shoulders. अब उन्होंने डिसाइड किया कि वो एस को बेचारा नहीं रहने देंगे और उसको उसका बोझा खुद उठाएंगे। तो उन्होंने क्या करा, उसे अपने शोल्डर्स पे उठा लिया। एज दे डिड सो द ट्रैवलर्स ब्रोक इनटू लाफ्टर। और जब उन्होंने ऐसा किया तो वो व्यापारी थे और वो जो ट्रैवलर्स थे वो उन पर हंसने लगे। ट्रैवलर्स को एक्चुअली हिंदी में यात्री कहते हैं, तो जो यात्री थे उन पर हंसने लगे। द लाफ्टर फ्राइटेंड द एस। तो जब वो हंस रहे थे तो एस काफ़ी डर गया। इट ब्रॉक फ्री एंड गैलोप्ड अवे। ये देखिए क्या हाल कर दिया इन्होंने, इस गधे को उल्टा करके टांग दिया और अब इसको ले जाना शुरू कर दिया। तो ये हंसी का पात्र बने और ये ऑब्वियस था। यू कैन नॉट प्लीज एवरी वन। तो इसका मोरल क्या है कि तुम हर एक को खुश नहीं कर सकते। हर एक को खुश करने के चक्कर में तुम एक दिन इतने मूर्ख बन जाओगे कि तुम पर हर एक आता जाता हंसेगा। सो यू कैन नॉट प्लीज एवरी वन। तो ये थी हमारी स्टोरी। आई एम डैम श्योर आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो जल्दी से लाइक शेयर कमेंट कर दो। आइए इसको एक बार और रीड कर लेते हैं। यू कांट प्लीज एवरी वन। वन डे ए मैन वॉज गोइंग टू मार्केट
with his son and his ass. They met a couple on the way. Why walk when you have an ass to ride? Called out the husband, said the boy on the ass. I would like that, said the boy. Help me up, father. And the father did that willingly. पिक्चर में भी शो किया है. सून दे मेट अनदर कपल. हाउ शेमफुल ऑफ यू, क्राइड द वुमेन. लेट योर ओल्ड फादर राइड, वोंट ही बी टायर्ड. क्या वो थकेंगे नहीं. सो द बॉय गॉट डाउन एंड द फादर रोड द एस. अगेन दे मार्च्ड ऑन. पुअर बॉय, सैड द नेक्स्ट पर्सन दे मेट. व्हाई शुड द लेजी फादर राइड व्हाइल हिज सन इज वॉकिंग. सो द बॉय गॉट ऑन टू द एस टू. एज दे वेंट ऑन they met some travelers. How cruel of them. They are up to kill the poor ass, cried one of the travelers. चलते चलते क्या हाल हो गया इन बेचारों का. Hearing this, the father and the son got down. Now they decided to carry the ass on their shoulders. As they did so, the travelers broke into laughter. The laughter frightened the ass. It broke free and galloped away. Moral, you cannot please everyone. So, moral is, you cannot please everyone. Thank you so much for watching. Have a lovely day.